कौन हो बे तुम और क्या चाहते हो? हमारी बहन और हमारे बाबूजी की मौत का बदला। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डीवी न्यूज़। मैं मोहम्मद शेर अज़र। हम आए हुए हैं तानाशाह के प्रमोशन के लिए, जिसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं हमारे साथ में। चलिए इस मूवी को लेकर के कुछ खास बात करते हैं सर से। सर, योर गुड नेम? इसरार अहमद। इसरार जी, इस मूवी के सब्जेक्ट में जो बुंदेलखंड से बीहड़ के ऊपर है, आपको ऐसा क्या खास लगा इसमें जो आपने इसको करना चाहा? खास मतलब पिक्चर का कंटेंट अच्छा लगा, पिक्चर की क्वालिटी अच्छी है, सब्जेक्ट अच्छा है, टेकिंग मेकिंग टोटलिटी में सारी फिल्म ही पूरी अच्छी लगी, इसलिए मैंने फिल्म 3 बार देखी, उसके बाद मैंने इसमें हाथ डाल दिया। कितना समय लग गया सर इसको बनाने में? अकॉर्डिंग टू पूसर इनको पिक्चर बनाने में 2 साल लगे। 2 साल में जाके सेंसर हुई, अब रिलीज तक आई पिक्चर। सर, ट्रेलर रिलीज हो गया है, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस है, और जो भी देखता है ट्रेलर को पसंद करता है, और आप एक बार खुद भी देखेंगे तो आपको भी पसंद आएगा। तो हमारे दर्शकों से सर, आप इस मूवी को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? बस हम यही कहना चाहेंगे, जो अच्छी फिल्म देखना पसंद करते हैं, मेरी उनसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, पिक्चर को ज़रूर देखें। डर के नहीं, इज्जत से जीना है। एक आदमी नहीं है आपके पास जो कोई इन्फॉर्मेशन दे पाए शिव कुमार की? अरे सर, पूरा गांव सपोर्ट में है। मंत्रियों को भी सपोर्ट अब आए। डद्दू डाकू या मसीहा? यस, मेरा नाम जी पारिया है, मैं तानाशाह मूवी जो कर रहा हूँ। आप मुकेश कुमार हैं, इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, आप इसरार भाई हैं और इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, पीछे कर ये फिल्म के राइटर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। तो फिल्म के बारे में ये आपको बेहतर बताएंगे, मुकेश सर बताएंगे आपको बाकी की बातें। सर, एज ए प्रोड्यूसर, आपको इस मूवी के अंदर ऐसा क्या खास लगा कि बुंदेलखंड बीहड़ जैसे सब्जेक्ट पर आपने मूवी करनी चाहिए? इसके जो मुख्य किरदार हैं, ददुआ पटेल, शिव कुमार पटेल, ये करीब 28 से 30 साल तक इनका ये रहा वर्चस्व रहा बुंदेलखंड, और ऐसा रहा कि पुलिस के पास एक तस्वीर मिल गया और हर तरह की कहानियाँ प्रचलित होने वाले थे। दिलीप वहीं से आते हैं, फतेहपुर से आते, तो इनके समझिए दिल और जहन में ददुआ एक हीरो की तरह बहुत दिनों से बसे थे। तो हम मिले और उन्होंने कहा कि लिखा जाए, हम लोगों ने काफ़ी रिसर्च किया, उस पर काफ़ी बार गए उस इलाके में, चक्को बांदा मालिकपुर सब जगह घूमे अंदर। इन्होंने तो 7-8 दिन डाकू के साथ हिदायत की और समझने की कोशिश की क्या हुआ है, क्या देखता है। और फिर फिल्म जो बनी है एक तरह से बायोग्राफी नहीं है, आपको पता नहीं है, ये उनकी चरित्र और घटनाओं पर आधारित है, उससे प्रेरित है, तो ये ठीक है। तो ऐसा कैरेक्टर मिलना आसान नहीं है, इसमें इतनी लेयर्स हो, इतना उसके बारे में कहा जाता हो, हर तरह की बातें होती हैं सुना के, हर तरह के लोग धारणा बना के रखते हैं खा के। हालांकि हमारी कहानी है सीधे साधे इंसान की, जो विपरीत परिस्थितियों में उसे बंदूक उठानी पड़ती है और डकैत बन जाता है, लेकिन उसकी जो उसका जो स्वभाव है, मूलतः स्वभाव है सीधा, वो कभी बदलता नहीं है, वैसे ही है। तो एक तरह से रॉबिनहुड जैसा उसका प्रतीक है, और एक तरह से ट्रेजडी है, जो डकैत है, तो उस तरह की कहानी भी, और काफ़ी एक्शन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी नरेटिव बहुत अच्छी बन रही है, हमारे जो डायरेक्टर है प्रीतम श्रीवास्तव, वो उन्होंने प्रकाश झाली के साथ 7-8 साल तक काम किया है, और एसोसिएट डायरेक्टर रहे, उनके साथ कई फिल्मों से जुड़े रहे, इस समझ काफ़ी सूक्ष्म है, उन्होंने काफ़ी कुछ कॉन्ट्रीब्यूट किया है। तो मैंने जो कहानी लिखी थी तो समझिए स्क्रीन पे और कहानी लिखी थी, उसमें जो खूबसूरती है वो उनके एक बार अपने राइटर को करके बनाया है। तो अभी तक तो बहुत अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिला है फिल्म का, काफ़ी घटनाओं से भरी हुई और काफ़ी एक्शन फिल्म, और साथ साथ ह्यूमन वैल्यू बहुत ज़्यादा है, आपको भावनात्मक स्तर पे आपकी गुलती है, मुख्य पात्र है, इस तरह का इंसान है, आपको उसमें बहुत लगने लगता है, इसके चलते है इसमें बहुत कुछ।
दिलीप सर आपकी मूवी रिलीज होने जा रही है, कितने एक्साइटेड हैं आप? एक्साइटमेंट तो होता ही है और एक्साइटमेंट के साथ साथ अंदर एक घबराहट भी है, डर भी है कि भाई अच्छा रिस्पांस हो, पिक्चर हो। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, जो कर सकते थे वो किया है, बाकी दर्शकों का प्यार है और आप लोगों की आप लोगों का सहयोग है, जो अच्छा लगे तो अच्छा लिखें और अच्छा कहें तो वो फिर फैलता है। सर सुना है इस मूवी की शूटिंग के दौरान आपको चोट भी लगी थी? जी सर, ये फिल्म वैसे बहुत बड़ी है पर बजट वाइज बड़ी नहीं है, तो हमारे पास लिमिटेड साधन थे, तो एक्शन कर रहे थे तो 40 फीट की ऊंची पहाड़ी थी जहाँ से वो मुझे स्क्रॉल करके नीचे आना था, तो सेफ्टी के नाम पे हमारे पास खाली दो नी कैप मिले। हमारे डायरेक्टर बोलते हैं कैसे करें अभी, तो मैंने कहा आप बताओ, दूसरे लोग बोलते रिस्क बहुत है, तो मैंने कहा पहनाओ नी कैप पहनाओ, देखते हैं करते हैं। तो मैं उसे रोल करके नीचे आता हूँ, एक नदी है, उठता हूँ तो मैं पैर मेरा बेंड हो जाता है, वैसे में ही पूरा एक्शन करता हूँ, दर्द होना शुरू हुआ, टेम्परेरी मेडिसिन वगैरह लिया, बाद में शूटिंग ख़त्म करके क्लाइमेक्स कर रहे थे, लास्ट क्या होगा कुछ दिन बचे थे, तो यहाँ आके जब जांच कराई तो पता लगा कि इसमें मिनिस्कस टीयर कुछ होता है, वो हो गया है, तो फिलहाल में गलती हुई, ऑपरेशन कराया और साल भर लगा। सर ट्रेलर रिलीज हो गया है आपका, लोग देख रहे हैं, तो जब तालियां बजती हैं कैसा लग रहा है सर आपको? खुशी तो होती होगी सर? सर आप अपने आप को मेरी जगह रख के देखिए, खुशी तो बहुत ज़्यादा होती है, एज ए ह्यूमन बींग मैं भी आदमी हूँ, मुझे भी उसी तरह की खुशी और उसी तरह का दुख होता है जैसे सब लोगों का होता है, पर जितनी मेहनत की थी लोगों का अप्रिसिएशन है तो वो अंदाज़ा था कहीं ना कहीं तो स्टैंड कर। दो साल लगे, 2016 में एक शेड्यूल किया था, 2018 में दूसरा शेड्यूल किया और फिर अभी इसी मार्च अप्रैल में इसका पोस्ट खत्म हुआ, तो फिर फेस्टिवल्स में गई, अभी 3-4 जगह इसको बेस्ट नैरेटिव का भी अवार्ड मिला, लोनावाला में 4 अवार्ड मिले जिसमें मुझे बेस्ट डेब्यू एक्टर का भी अवार्ड मिला। आपके अपोजिट में कौन है? लौरा मिश्रा है, उन्होंने मेरी वाइफ का रोल किया है, वो भी थिएटर से ही है और मैं भी थिएटर से हूँ, दिल्ली में मैंने थिएटर किया एक्ट वन में बहुत दिन, फिर NSD अप्लाई किया था नहीं हुआ था, फिर DNA चला गया तो DNA में ट्रेनिंग ली, फिर फिल्म स्कूल में ट्रेनिंग ली, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट पुणे वहाँ से ली, और बाद में फिर अच्छा काम नहीं मिला तो वेट करता रहा अच्छा काम का, तो मैं कॉरपोरेट में थिएटर करता महिंद्रा पेट्रोनास JK इनके अंदर में, उनका ब्रीफ लेके नाटक लिखते थे सर और फिर हम उस पर एक्ट करते थे, डायरेक्ट करते थे, और बीच बीच में बहुत सारे शोज की मैंने होस्टिंग की। फिल्म मेरी पहली है एज ए मेहंदी। इन्होंने जानबूझ के अपने को टेलीविजन से अलग रखा, क्योंकि सोच रखा था कि करेंगे तो अच्छा किरदार करेंगे और जो जहन में है वही करेंगे। हाँ, अब ये तानाशाह वो किरदार है या सिस्टम है या नेता है ये आपको पता है? आपको आपका अपना ओपिनियन है, हर आदमी अपनी जिद में लगा हुआ, अपन समाज में भी देखते हैं घर में भी देखते हैं, हर आदमी को लगता है मेरी ही चले, मैं जो कहता हूँ वही सही है, दूसरा आदमी गलत है, तो जो ह्यूमन वो है एलिमेंट है तो उस तरीके से इसका टाइटल है। सर आप मेन लीड में है लेकिन भूमिका तो नेगेटिव है, विलन जैसा ये सबका अपना अपना इंटरप्रिटेशन है, किसी की नज़र में सिस्टम तानाशाह है, पुलिस तानाशाह है, किसी की पुलिस की नज़र में शिवा तानाशाह है, तो आप सबका अपना अपना इंटरप्रिटेशन है, सब एक दूसरे से जद्दोजहद कर रहे हैं, जूझ रहे हैं और अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई है, मैं ज़्यादा पावरफुल मैं ज़्यादा पावरफुल, आज समाज में देखो पॉलिटिक्स में देखो सब जगह वही चल रहा है कि मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ मेरी ही चली, मैं जैसा कहता हूँ वही सही। बहुत अच्छा रहा, वहाँ की भाषा, वहाँ के लोग, आदिवासी बहुत आदिवासियों के गांव है वहाँ पे, करीब 250-300 गांव हैं जो इनके प्रभाव में थे शिव कुमार पटेल के, वो लोग उनको बहुत प्यार करते हैं, उनको भगवान की तरह मानते हैं, उनका मंदिर भी बना हुआ है, उस मंदिर में 6 लाख लोग आए थे उसकी ओपनिंग में, कबराह करके एक जगह है फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर बड़ा मंदिर बना हुआ था, 2 साल पहले उसका उद्घाटन हुआ, तो वहाँ की भाषा थोड़ी सी अक्खड़ है, तुनक मिजाजी ज़्यादा है वहाँ, बात बात में लोग गोली चला देते हैं, घर में उतना फाइनेंशियली मजबूत नहीं होंगे लेकिन खूंटी पे देखोगे तो दुनाली टंगी होगी। MP यूपी और MP का बॉर्डर है, चित्रकूट करके एक जगह है, वो
वहाँ पे लोकेशंस बहुत खूबसूरत है, वहाँ पे इनके प्रभाव की वजह से लोग ज़्यादा आते जाते हैं। टूरिस्ट प्लेस है, धार्मिक प्लेस है, चित्रकूट के घाट माबाई सदन की भीड़, वो जो आपने चौपाई सुनी होगी तो वही चित्रकूट है। थोड़ा सा हिस्सा एमपी का है, थोड़ा यूपी का है, तो आप पैदल पार करेंगे दो पहाड़ी तो आप एमपी में पहुँच जाएंगे, और इधर आ जाएंगे पैदल तो आप यूपी में। शिव कुमार पटेल उन्हीं का नाम था, उन्हीं से इंस्पायर्ड कहानी है, और हमने सिनेमा के हिसाब से उसकी लिबर्टी ली है और इसको फिक्शन किया है। बहुत कुछ दो गाने हैं, एक कबीर का गाना है साधो साधो, और एक और गाना है वो प्रवेश मलिक हमारे म्यूजिक डायरेक्टर ने लिखा भी है और गाया भी है। मैसेज तो ये है कि हमेशा अच्छाई अच्छाई होती है, बुराई बुराई होती है। इस फिल्म में भी वही है कि सच्चाई सच्चाई होती है, अच्छाई अच्छाई होती है, बुराई बुराई होती है। कोई भी हो, चाहे तानाशाह हो या कोई भी हो, बुरी चीज का, बुरी बातों का बुरा ही अंत होगा, ये सत्य है। और जो अहंकार पावर का और ताकत का और किसी के भी अंदर हो, भस्मासुर का भी हुआ था, तो फिर अंत होना तय, ये मैसेज है इस फिल्म से। जी वो आजकल ट्रेलर में भी देख रहे होंगे आप, मजबूरी की वजह से तो बागी बने, और बागी बन के भी मजबूर होकर भी तो बनाए। और किसी को कुछ जानना है आप तो सर हमारे दर्शकों से आप आज सुनिए सर, मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि आप बहुत सारी फिल्में देखते हैं बड़े बड़े बजट की, बड़ी क्रोमा और एक्शन और VFX और वो वाली फिल्में देखते हैं। एक अच्छी फिल्म, इमोशन, कहानी, अच्छी कहानी, अच्छी परफॉर्मेंस, बहुत सारे एक्टर हैं, 50 एक्टर्स हैं, NSD के हैं, FTII के हैं, BNA के हैं, पुराने थिएटर के जो बहुत सारे वरिष्ठ कलाकार हैं, सब ने अपना बेस्ट देने की कोशिश की, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छी कहानी लिखी गई। ये पिक्चर आपको अंदर तक झकझोर देगी और पूरा एंटरटेनमेंट करेगी, इस बात की मेरी गारंटी है। बहुत लाइट और बहुत सेटल कॉमेडी है, जो इंटेलिजेंट कॉमेडी है, जो आपको समझ आएगी, गुदगुदाएगी, हंसाएगी, फुहड़ वाली कॉमेडी नहीं, कॉमेडी है, आपको मजा आएगा। सिचुएशन है ऐसी, वन लाइनर ऐसे हैं कि आपको सुन के मजा आएगा, हंसेंगे आप, और एक वो जो अंदर से जो हंसने वाली वो मजा आया किसी बात में तो आपने हंस दिया, वो जो घोड़ी कॉमेडी रहती है वो उस तरह का नहीं है, छिछोरापन नहीं। सबसे बड़ी बात है इसके हर कैरेक्टर बहुत ही ये तो कंसीप्ट बहुत अच्छा है, हर एक पात्र जो इसका है बहुत अच्छा कंसीप्ट किया गया है, डिटेल में किया गया है, और हालांकि बहुत कम समय तक सब बात करता है, लेकिन उनका जो प्रभाव है बहुत लंबा है। आज अगर आपका हीरो बड़ा है, बड़ा होता किस तरह होता है, इसलिए कि आपके आसपास के किरदार में वो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, इनके चरित्र को उभारने में इनको बड़ा चाहिए, उनका जो छोटे भाई थे जिन्होंने वो मंत्री का रोल थे या फिर पुलिस SP का रोल किया, सब करता लाजवाब, बहुत ही इंटेंस। आप लोग ट्रेलर देखिए, 2 मिनट का ट्रेलर देख लेते हैं, आप लोगों को अंदाजा लग जाएगा। 1 मिनट का ट्रेलर कल से आज सेंसर होकर आ गया है लोगों का, तो फिर थिएटर वगैरह में चलेगा, तो आप उसी से बांध लिए। आप लोग तो जानकार लोग हैं, आपका तो रोज का काम, हमारी तो पहले से नहीं, आपकी तो 25वीं होगी, आप लोग तो सब जानते हैं, 25 होगी, 50 होगी, सभी होगी, आप लोग तो जरा से जैसे चावल की बोरी में हाथ डाल के आप बता देते हो कि कौन सा बासमती है, कि वो कौन सा चावल है, तो वैसे आप लोग खुद बाकी लोग, आप ट्रेलर देखिए आपको तुरंत पता चलेगा कि हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, फिल्म कहाँ स्टैंड कर रही है, परफॉर्मेंस किस लेवल की है। हमें भी हमारे गुरु कैनी सर से किसी की तुलना नहीं करते किसी से, ये अलग कहानी है, अलग किरदार है, इसकी अलग घटनाएं हैं, और उस कहानी का जो पान सिंह तोमर थी उनकी कहानी का कुछ अलग था, मतलब खाली पर्सनल कहानी डिफरेंट है, बट फ्लेवर जो है पिक्चर का, हाँ मतलब ये मोर ड्रामेटिक है, मोर एंटरटेनिंग है, अगर आप लोकेशन लोकेशन लोकेशंस बहुत अच्छे हैं, किरदार अलग हैं, उसमें 2-4 किरदार के आसपास ही पूरी कहानी घूमी होगी, इसमें लेयरिंग ज़्यादा है, आप पिक्चर की आखिरी फिल्म तक नहीं पता कर पाएंगे कि क्या होने वाला है, लास्ट 10-15 मिनट में तो ऐसी घटनाएं घटती हैं साइमल्टेनियसली, और आप एक बार फिल्म देखने बैठ गए तो 10 मिनट आपने 5 मिनट आपने फिल्म देख ली तो फिर पिक्चर खत्म किए बिना आप उठेंगे नहीं, ये मेरी गारंटी है।
और आप इसको एक बार नहीं दूसरी बार भी देखेंगे, तीसरी बार भी देखेंगे तो उतने ही इंटरेस्ट के साथ देखेंगे। कई बार होता है कि हमने आजकल जो फिल्में होती है एक बार देख लिया तो दोबारा बड़ी मुश्किल से देख पाते हैं, दोबारा देख लिया तो दोबारा मन ही नहीं करता है कि यार बस हो गया। इसमें ऐसा है कि आप दोबारा देखेंगे तो भी आपका इंटरेस्ट बना रहेगा, दोबारा देखेंगे तो भी बना रहेगा। आपको इस सब्जेक्ट में ऐसा क्या लगा कि आप इस मूवी से जुड़े? सर सर देखिए बेसिकली मैं फ्यूचर राइटर और बाद में मैं डिस्ट्रीब्यूटर बना। मेरी लास्ट पिक्चर थी मैंने रुआ स्वतंत्र सिटी को डायरेक्ट किया था उसमें लतीफ उसमें मैं डायरेक्टर फ्यूचर का शायद नहीं सर देखिए देखिए मैं उसमें का फ्यूचर डायरेक्टर था उस फिल्म ने मुझे डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया। उस फिल्म में इतना परेशान हुआ नवाज को लेकर मैं फिल्म बेच नहीं पाया रिलीज नहीं कर पाया। एक हमारे डिस्ट्रीब्यूटर दिल्ली के खड़े लास्ट मोमेंट में इन्होंने भी डिश किया भाई ये मेरे अच्छे दोस्त हैं लेकिन हालात होते हैं। तो उस दिन मैंने कसम खाई कि आज के बाद मैं अपना डिस्ट्रीब्यूशन खुद खोलूँगा। 35 साल का जो तजुर्बा मुझे फिल्म लाइन में 84 में बॉम्बे आया था कानपुर से हीरो बनने उसके बाद से हीरो तो बना नहीं असिस्टेंट डायरेक्टर डायरेक्टर राइटर प्रोड्यूसर डायरेक्टर 17-18 फिल्में छोटी मोटी बनाई। 2004 में बाजार बनाई थी दादा खान की बेटों ने किया था जवेरी के साथ। तो उस दिन से मैंने कसम खाई कि अब मैं डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा और अपने जैसे जितने परेशान प्रोड्यूसर बेचारे अच्छी फिल्में बना के आते हैं लास्ट मोमेंट में उनको मैं परेशान होने दूंगा और रुकने नहीं दूंगा। मुंबई से शहर में थिएटर बहुत बढ़ जाता है सो कॉल्ड पीने के नाम पे इतने पैसे दे दो इतने थिएटर दे दूंगा सब लूट लेते हैं अब प्रोड्यूसर बर्बाद हो जाता है। तो आज उस बात को 2015 मैंने लतीफ रिलीज की थी उसके बाद से आज तक मैं 32-33 फिल्में कर चुका हूँ। डैडी भाई से आज पहली मुलाकात है लेकिन सारे काम फ़ोन पर होते थे कोई भी काम हो डैडी भाई ये पिक्चर आ रहे जा रहे लेकिन ऐसा लगता था हमारी सालों की मुलाकात आज पहली बार मिल रहा हूँ लेकिन फ़ोन पर हमारी हमेशा बात होती है काम चलते रहते थे। ये फिल्म देखने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा कि हमने कहा सर इसको आप सिंगल स्क्रीन टारगेट करो मल्टीप्लेक्सेस हम इसको लिमिटेड करेंगे क्योंकि मल्टीप्लेक्स वालों का फंडे कुछ अलग है बहुत ज़्यादा अलग है। तो इन्होंने मेरी बात मानी मैंने उसको 3 बार पिक्चर देखी ये पिक्चर कब शुरू होती है कब खत्म हो जाती है आदमी उठ नहीं पाता है तो सिटी बनी रहती है इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छी वेल मेड फिल्म है। एज ए टेक्नीशियन मैं बोलूँगा कि नई स्टार कास्ट होगी मेरी पिक्चर का फील फ्लेवर ग्रैंडर ग्लैमर आपको लगेगा आप बड़ी फिल्म देख रहे हैं कहीं से सी और बी ग्रेड की पिक्चर नहीं है। अगर इसी फिल्म में अगर मनोज वाजपेयी डाल देते हैं या नवाज डाल देते हैं या अनुराग कश्यप के 2-4 एक्टर डाल देते हैं ये पिक्चर कहाँ की कहाँ और पहुँच जाती है इनको घर बैठे सारे पैसे आ रहे होते हैं। अब इनकी त्रासदी है कि बेचारे नए आर्टिस्ट हैं तो इनको खुद सब कुछ करना पड़ रहा है ऑटो में जाके उसको अच्छे कम से कम 600-700 थिएटर लगाएंगे इंशाल्लाह इंडिया ऑल ओवर इंडिया और पिक्चर अच्छी जाएगी मुझे उम्मीद है। सर एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आपको ब्रह्मा कहा जाता है सर सुना है जादूगर बोलते हैं आप अभी लास्ट एसिड की थी मैंने एसिड वाले भी आने वाले थे डैनी भाई पास लेकिन उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई इलाहाबाद से कहाँ से नेक पॉस्ट पर डैनी भाई नाराज भी थे मैंने कल रात को उनको बहुत डांटा भी एसिड वालों को मतलब भैया ऐसा वैसा चलो कुछ नहीं बस ये पिक्चर जाएगी अच्छी सर। सर कितना समय लग गया इसको बनाने में? कौन सी पिक्चर को सर अपनी ताना शाह मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी देखें अगर आपके अंदर वो जो भावना आती है कि सच में अच्छी है तो आप प्लीज़ उसको लोगों को भी शेयर करिए बताइए ताकि अच्छी फिल्म सभी तक पहुंचे और इस तरह के प्रोड्यूसर स्टैंड करें जो छोटे प्रोड्यूसर से तो उनको प्रोत्साहन मिले। इतना सर इसका कंटेंट कैसा लगा आपको? कंटेंट अच्छा है सर मतलब टोटल कमर्शियल भी कह लीजिए कमर्शियल कम आर्ट मेकिंग वाइज टेकिंग वाइज जितने शॉर्ट डायरेक्टर दे लिए साउंड रिकॉर्डिस्ट बहुत टॉप के शशि रंजन जी हमारे वाला पर टॉप साउंड रिकॉर्डिस्ट यूनिवर्सिटी के कैमरा मैन के बहुत अच्छे इनका एडिटर बहुत टॉप का है जो आज सुबह से एक उनका हेड है पार्टी का सब कुछ अच्छा है एक्टर्स उन्होंने थिएटर के अच्छे लिए और कहानी भी उन्होंने और भी सब्जेक्ट उठाया है उसको अच्छी तरीके से उन्होंने विजुलाइज किया डायरेक्टर ने अपना अच्छा काम किया है और कहीं कहीं प्रकाश झा नज़र आते हैं उसके डायरेक्शन में नो डाउट वो नज़र आएंगी तो आपको देखने के बाद लगे कि हाँ प्रकाश झा की पिक्चर दिख रहे हैं गंगा जल का वो फील नज़र आएंगे।
इनकी डॉक्यूमेंट्री तो सुपर हिट गई थी सर, तो भी अगर आसपास घूम रहा है तो अच्छी होगी। ही है लेकिन के आसपास मतलब घूमते हुए भी लेकिन अपने आप को बचा के रखता है। दद्दू के फरमान का मतलब बिहड़ का कानून, फिर चाहे जो भी आ जाए। हमेशा आपको भगवान की तरह माना हमने तुमका, आदेश कर सही समय आने पे बताएंगे। तो आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़, मैं मोहम्मद शेरदर, हम आए हुए तानाशाह के प्रमोशन के लिए, जिसके एक्टर हमारे साथ में दिलीप आर्या जी। चलिए उनसे बात करते हैं इस मूवी को लेकर के कुछ खास। सर, आपकी मूवी रिलीज़ होने जा रही है, कितने एक्साइटेड हैं आप? बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, थोड़ा नर्वस भी हूँ कि वो जो एग्ज़ाम में रिजल्ट आने के पहले आप लोगों को भी होता होगा पढ़ाई के टाइम, तो वैसी तरह की थोड़ी सी नर्वसनेस भी है, पर हम कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि हमने काम बढ़िया किया है, लोगों की सराहना हो रही, पूरी ईमानदारी से काम किया गया है। सर, इसमें कहीं भी चीटिंग छल कपट वो नहीं है, आप हम कैरेक्टर में घुस गए हैं और सिचुएशन में अपने आप को डाल दिया है और जो होता गया है करते गए। इसमें प्लास्टिक कुछ नहीं है, बनावटी कुछ नहीं है, क्राफ्टिंग कुछ नहीं, ये खाली इमोशन का खेल है। इस फिल्म में इमोशन प्ले किया है। सर, सुना है शूटिंग के दौरान आपको चोट भी लग गई थी? जी, चोट लग गई थी, चूँकि मैं एक्शन कर रहा था, एक 40 फीट ऊँची एक पहाड़ी थी, वहाँ से मुझे गिरना था, कूदना था, तो हमारे पास सेफ्टी के लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, तो दो नी कैप थे, तो वो पहन के मैं कूद गया, नीचे पानी था, नदी थी, तो संभल नहीं पाया, तो बैंड हो गया था पैर, तो मिनिस्कस टीयर उसको बोलते हैं, वो हो गया था, तो बाद में फिर शूटिंग ख़त्म करके आया तो जांच वांच हुई तो पता चला, तो उसका ऑपरेशन कराया और ठीक करवाया। तो सर, एज ए एक्टर आपने बीहड़ मूवी पर सब्जेक्ट पर आपने काम किया है, और इसके सब्जेक्ट में जैसे बुंदेलखंड बीहड़ ज़्यादातर डकैत के ऊपर ही ये मूवियाँ बनती हैं, तो इस मूवी में आपको ऐसा क्या खास लगा इसकी स्टोरी में जो आपने इसको बताया? ये डकैत की फिल्में हम बचपन से देखते आए हैं, बड़े हुए, आपने भी देखी होंगी, धर्म साहब के ज़माने से, विनोद खन्ना साहब के ज़माने से, बहुत सारे बाद में फिर अमित जी, धर्म जी और शोले और बहुत सारी फिल्में। ये कैरेक्टर बिल्कुल अलग है, इसमें लेयरिंग ज़्यादा है, डायमेंशन ज़्यादा है। हमेशा डकैत की फिल्में पर्सनल बदले से शुरू होती हैं, पर्सनल रिवेंज से शुरू होती हैं और उसी से ख़त्म हो जाती हैं। इसमें कुछ कुछ और घटता है जो उससे ज़्यादा है। अभी तक आपने जो डकैत की फिल्मों में नहीं देखा होगा वो इस फिल्म में देखने को मिलेगा, और नयापन होगा, बहुत कुछ नया होगा जो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। जैसे पुरानी फिल्में हम देखते थे तो डकैत घोड़ों पर आ रहे हैं, टक 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 करते हुए आते थे, तो इसमें उस तरह का फिल्मी कुछ नहीं, बहुत कुछ रियल, बहुत कुछ सहज और नेचुरल है, जो आपको एक्सेप्ट होएगा, आपको लगेगा हाँ ऐसा हुआ होगा या ऐसा होता है, आपने सुन रखा होगा उसके बारे में, पढ़ रखा होगा कहीं ना कहीं, तो इसलिए आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा इस फिल्म से। जी सर, आपका अगला सवाल। हाँ सर, इस मूवी के अंदर आपके डायलॉग्स जो फेमस डायलॉग हैं? हाँ, इसमें बहुत सारे डायलॉग हैं, वन लाइनर हैं जो सब फेमस हैं, तो मैं दो तीन आपको सुनाए देता हूँ। दद्दू का फरमान, बीहड़ का कानून, और एक है तो क्या करें, तुम हमारे सामने लड़की का बलात्कार करो और हम हिजड़े की तरह खड़े खड़े देखें, एक ये डायलॉग है। एक और है, मजबूरी की वजह से तो बागी बने हैं और बागी बन के भी मजबूर हो गए फिर तो लानत। सर, मूवी का ट्रेलर रिलीज़ हो गया है, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, सब लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि बहुत दिनों बाद कोई अच्छा सिनेमा देखने को मिलेगा, अच्छी कहानी देखने को मिलेगी। ट्रेलर देखने के बाद में लोग तालियां बजा रहे थे, तो कैसा लगा सर? आप खुशी तो हो रही होगी सर? बिल्कुल हो रही होगी, आप बताइए, मैं आपके लिए भी ताली बजाता हूँ, आपको भी खुशी होगी, हमारे आपके लिए भी हमारे लिए खुशी है, और इस तरह का सम्मान और सब, आप मीडिया बंधुओं का भी बहुत सहयोग है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, शुक्रिया है कि वो इस बात को फैला रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि भाई अच्छा सिनेमा है, देखिए, वो लिख रहे हैं जहाँ भी उनका जो भी प्लेटफॉर्म है, लोग ईमानदारी से उसको लिख रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ, ताकि ये अच्छी फिल्म है, ये सब तक बात पहुँच रही, आप लोगों के माध्यम से ही पहुँच रही है। सर, एज ए प्रोड्यूसर आपने बीहड़ जैसे सब्जेक्ट पर मूवी करनी चाहिए, तो ऐसा क्या खास लगा आपको इसके ऊपर? बीहड़ तो एक परिप्रेक्ष्य है सर, ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है वो कैरेक्टर कहता है, और किरदार जैसा दिलीप हमेशा कहते आ रहे हैं कि इतनी लेयर है, जितना उनका डिमेंशन है, वो इतनी आसानी से बनते और मिलते नहीं, और यहाँ तो बने पना बनाया किरदार मिल गया, कैरेक्टर मिल गया, जिसका पूरी ज़िंदगी का सफ़र ड्रामा से भरा हुआ है, तो इससे आसान क्या हो सकता है फिल्म बनाना,
तो चुनाव का सबसे बड़ा कारण शायद यही रहा हो कि पर्सनैलिटी है ऐसी भी उनसे लेना। सर कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको? रिस्पांस तो बहुत अच्छा मिल रहा है। अब जैसे बेस्ट डेब्यूटेंट एक्टर का और डायरेक्टर का सम्मान मिला है हमारी फिल्म को रिलीज होने के पहले, जहाँ भी जाती है वहाँ तालियाँ सुनने को आती है, बड़ा अच्छा लगता है, यहाँ लोगों को पसंद आ रही है। और जहाँ भी ट्रायल या ट्रेड में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, जो भी देखते हैं जैसे ऐसा मैंने बताया कि उठ नहीं पाएंगे आप, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे ऑडियंस के साथ भी ऐसे ही रिस्पॉन्स रहेगा। तो सर नया कैरेक्टर लिया गया, नए आर्टिस्ट को लिया आपने, तो दिलीप आर्या सर के अंदर ऐसा क्या खास देखा आपने? देखिए नए आर्टिस्ट नहीं, ये इनके अंदर जो है वो कहते हैं स्पिरिट और जो आग है ना, वो किसी आर्टिस्ट में मिलना इतना आसान नहीं होता है, वो नेग नहीं होते हैं ये ऐसे रहता है। और इनमें ये ताकत है दर्शकों को बांध के रखना। हम दोनों इस फिल्म के अलावा भी जुड़े हुए हैं कुछ एक कामों में, तो जहाँ भी मैंने दिलीप को देखा है वो अपने लहजे से, अपने तरीके से, अपने पर्सनैलिटी से बड़ी आसानी से लोगों को इम्प्रेस करते हैं। और एक स्पॉन्टेनिटी है, एक इनोसेंस है इनके पास जो कि बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल, तो इनसे अच्छा और क्या मुझे हीरो मिल सकता है। सर हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहिए? हम सबसे अपील करना चाहेंगे, विनती करना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोग जाइए और हमारी फिल्म 7 फरवरी 2020 को रिलीज हो रही है, सिनेमाघरों में देखिए, अपने दोस्तों को दिखाइए। ए सर्टिफिकेट फिल्म है तो बच्चे जा नहीं सकते हैं, तो उसका आपको पहले से कुछ बंदोबस्त करना है कि बच्चों को कहाँ छोड़कर जाएंगे, किसके सहारे, ये एक थोड़ी मुश्किल है क्योंकि हमारे नए प्रोड्यूसर्स हैं, इसलिए ज़बरदस्ती में ये सर्टिफिकेट दिया गया है। ये फिल्म ये सर्टिफिकेट वाली है नहीं, तो आप लोग जाइए और तो अच्छा लगे तो लोगों को भी बताइए, उसको शेयर करिए, सोशल मीडिया आजकल बहुत बड़ा मीडियम है, उस प्लेटफॉर्म पर लिखिए ताकि लोग और ज़्यादा जाएँ और इस फिल्म को देखें। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ में दिलीप आर्या जी, जो एक अच्छे एक्टर के साथ में एक दिलचस्प इंसान भी है। इनकी मूवी तानाशाह में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, शानदार मूवी बनाई है। तो दोस्तों अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ में नज़दीकी सिनेमा हॉल में जाएं और लुत्फ उठाएं इस मूवी का। आप देख रहे हैं डीवी न्यूज़, मैं हूं मोहम्मद शेरजर, कैमरामैन अभिषेक के साथ। मजबूरी की वजह से तो बागी बने, और बागी बन के भी मजबूर हो गए तो फिर तो लाने। दद्दू के फरमान का मतलब बिहार का कानून, फिर चाहे जो भी आ जाए।